हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा जिंदगी में कोई अच्छा मुकाम हासिल करे और उसके लिए शिक्षा संस्कार बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये देता है आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल जो अब करनाल में खुलने जा रहा है। आपने जेम्स इंटरनेशनल स्कूल का नाम सुना होगा, वो नाम अब बदल रहा है आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में और आज से उसकी शुरुआत हो गई है और अल्फा सिटी में ही ये रहने वाला है। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल जो पुरानी बिल्डिंग थी वही वाली बिल्डिंग रहने वाली है, लेकिन एक नए विजन के साथ ये लोग आ रहे हैं ताकि करनाल में शिक्षा को लेकर एक नया आयाम स्थापित किया जाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े और जब वो वहाँ पर पढ़ने जाए तो ना सिर्फ वहाँ पर पढ़ाई हो बल्कि उसे अच्छे संस्कार भी मिले और उसके भविष्य की एक दिशा तय हो जाए कि उसे आगे क्या करना है। जेम्स इंटरनेशनल स्कूल का नाम आपने सुना होगा, लेकिन अब वो नए अंदाज में आ रहा है, वो बदल रहा है आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल और इस स्कूल का नाम आपने पहले सुना होगा क्योंकि तकरीबन 12 स्कूल हैं और 45,000 से ज़्यादा बच्चों को एक नई दिशा इस स्कूल में दी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओपी यादव जी, उनसे जान लेते हैं। सर, करनाल अब आप आ रहे हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हांसी, हिसार, गुरुग्राम में एक अच्छी पहचान बनाने के बाद किस विजन के साथ आप करनाल में कदम रख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि करनाल हरियाणा का एक बहुत ही उच्च कोटि का शहर है और यहाँ के लोगों में शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हैं लोग और हम ये चाह रहे थे कि ऑलमोस्ट इट इज सेटल हरियाणा इफ आई कैन से दैट। और हमने ये विचार किया कि करनाल जैसी सिटी में हम क्यों ना अपना स्कूल यहाँ स्टार्ट करें और जो बेनिफिट्स, जो ऊंचाइयाँ आरपीएस के दूसरे स्कूल्स के बच्चे आज पहुँच गए हैं, क्यों ना हम करनाल के शहर को और आसपास के इलाके को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। सर, क्या समझते हैं, क्योंकि शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही है लेकिन उसके साथ साथ एक बच्चे का माइंडसेट, उसके संस्कार और तमाम चीज़ें भी जरूरी होती हैं अगर ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना है। तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, उनके भविष्य के बारे में उन्हें सिखाया जाता है? देखिए, प्रेजेंट एजुकेशन के साथ साथ हम हमारे बच्चों को, हमारी जो धरोहर है अच्छे संस्कारों की, अच्छी मेहनत की, अपने बुजुर्गों की, अपने साथियों की, अपने माँ बाप की और अपने गुरुओं की जो सेवा करने के भी संस्कार हमारा प्रयास होता है कि हम अपने बच्चों को दें और हम दे रहे हैं। उसके साथ साथ ओवरऑल जो बच्चों को जो एजुकेशन मिलती है उसके बाद ही बच्चा इस नए आज के युग में कामयाब हो सकता है। क्या समझें, नई शुरुआत हो चुकी है और कब से एडमिशन वगैरह शुरू हो जाएंगे? और बाकी स्कूलों की अगर बात करें जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में है, वहाँ पर बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कंपिटिटिव एग्जामिनेशन का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा आरपीएस ग्रुप के इस बार 571 स्टूडेंट्स ने नीट क्लियर की थी। मैं समझता हूँ ये देश का रिकॉर्ड है। 341 बच्चों ने आईआईटी मेंस क्लियर किया था, ये भी एक रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, एक मिनट, सबसे बड़ी बात
हरियाणा स्पोर्ट्समैन के नाम से, स्पोर्ट्स फील्ड के नाम से पुकारा जाता है सारे देश में। हरियाणा बहादुर के नाम से पुकारा जाता है हमारे देश में। हरियाणा के जवान, हरियाणा के जनरल्स ने इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए बहुत शहीदी दी है। हमने इस बार 109 बच्चों ने एनडीए क्लियर किया यूपीएससी, 109 स्टूडेंट्स, इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ द कंट्री। जो हमारे ग्रुप ने 109 बच्चों ने यूपीएससी एनडीए क्लियर किया। उसके साथ साथ हम जो बच्चों के बाल भवन की एक्टिविटीज होती हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स बाल भवन की एक्टिविटीज जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बच्चों की, छोटे बच्चों की, सारे स्टेट के धर्म नंबर वन आए थे। डिस्ट्रिक्ट में लगातार 12वीं बार आरपीएस नंबर वन रहा। डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में भी, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में भी, इस बार डिस्ट्रिक्ट हिसार में भी हमारे हांसी के बच्चों ने, हांसी स्कूल के बच्चों ने बड़ी भारी मेहनत की और बहुत उच्च कोटि के स्थान प्राप्त किए। स्टेट लेवल पर भी हमारे कई प्रोग्राम से हम नंबर वन के ऊपर आए। उसके साथ साथ हम बच्चों को ओवरऑल, जो मैं आपको डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने, हमारे हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ने एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रखा है। उस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे, उस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्चे हैं उनको इस देश की, इस प्रदेश की, सारे देश की सारी बातें सिखाई जाती हैं और उसको बोलते हैं एनटीएससी का एग्जामिनेशन। हरियाणा प्रदेश में पिछली बार 200 बच्चों ने एनटीएससी क्लियर की थी, जिसमें 76 बच्चे, आई वंस अगेन रिपीट, 76 बच्चे आरपीएस ग्रुप के थे। दिस इज ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ द कंट्री। तो हम इस तरह से, हम अपने एज फॉर स्पोर्ट्स आर कंसर्न, आरपीएस के बच्चे, आरपीएस की लड़कियां, हम खासकर हमारी बेटियों का, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारी बच्चियों ने पिछले 11 साल से नेशनल सीबीएसई के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर 11 साल से ओवरऑल चैंपियनशिप ली, अंडर 19 ली, अंडर 17 ली, अंडर 14 चैंपियनशिप ली। और हरियाणा प्रदेश की वॉलीबॉल टीम में हमारे ग्रुप के 4 बच्चे थे। नेशनल्स फुटबॉल के अंदर हमने 2 बार चैंपियनशिप ली और 3 बार हम रनर्स अप रहे हैं। हमारे बच्चों को हम एक बात और भी आपको बताना चाहता हूं, हम योगा, हरियाणा से थे हमारे बाबा, आप जानते हो बाबा जो है हरियाणा से हैं, हमारे जिले से हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर हम रोजाना हमारे बच्चों को योगा की भी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि बच्चों को स्वस्थ रहें, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें। देखिए, जो बच्चा स्वस्थ रहेगा, जो बच्चा गेम्स में जाएगा, जो बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाएगा, वो बच्चा हमेशा एक संस्कारी बच्चा होगा। हमारा ये प्रयास है, हमारा प्रयास है कि हम अपने प्रदेश को इस देश में नंबर वन पे ले जाएं। हमारा प्रयास है कि हम अपने बच्चों को इस संसार में नंबर वन लेके जाएं। और इसी एम के साथ हम करनाल में आए हैं। बाकी तो समय बताएगा कि हम क्या कर पाएंगे, लेकिन मैं ये आपको, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, कि करनाल 1 साल के अंदर पहचान जाएगा व्हाट इज आरपीएस। तो आपने सुना कि आरपीएस ग्रुप की क्या कुछ खासियत है, और 12 स्कूल हैं, 45,000 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे खेल के अंदर, बहुत सारे बच्चे शिक्षा के अंदर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर बेहतर कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस हरियाणा के बाकी जिलों के अंदर आरपीएस ग्रुप देता हुआ नज़र आ रहा है, वैसी ही परफॉर्मेंस करनाल के भी बच्चे देते हुए नज़र आएंगे, और करनाल का नाम शिक्षा के क्षेत्र में आरपीएस ग्रुप एक अलग ही ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
तो आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में, जो अब करनाल में आ चुका है। जेम्स इंटरनेशनल स्कूल का नाम आपने सुना होगा, जो अल्फा सिटी में था, और अब ये नाम बदलकर हो गया है आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल। हमारे साथ प्रिंसिपल मैम मौजूद हैं, रूपा गोसाई जी। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विजन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के बहुत जिलों में आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, किस तरीके से करनाल में एक नई शुरुआत। ये आज तो टुडे आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम रियली प्राउड टू बी लीडिंग आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल। एंड एज यू नो दैट वी वर इनिशियली जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, विच वॉज वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर, and now with the coming and taking over of the RPS group of schools, we are headed towards a big success. Why you would ask me that the thing is that now not only are we going to be giving children global exposure, international exposure, but also crafting their careers with the kind of seriousness that every parent dreams of. For example, the RPS school in Gurugram, 99.84% the person who's come first has achieved in IIT. So there, and in their schools, there a lot of preparation for IIT, NEET, JEE, CLAT, Olympiads. So the children will be focused in the right direction at the right time, and they will find a kind of a career for themselves before they step out in grade 12, out of grade 12. So that is something which I have been able to imbibe, and we are going to focus, and there will be a lot of sports which we will be taking the children on a district and national level, and maybe international also, and also culturally also. A very holistic development will be given with good speaking skills, personality development, which we were already doing, but now with the added focus of a good career and a good confidence in the students that they can win the world if they aspire to be. So that is what my our vision is, rather, and I'm really delighted to be taking the school forward in the same direction. RPS group jo hai wo bachchon mein choti class se hi pehchan leta hai ki bachchon ko aage करना क्या है। किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उन्हें नीट की तैयारी करवाई जाती है, किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है तो उसे आईआईटी की तैयारी करवाई जाती है, किसी को आर्मी में जाना है तो उसे एनडीए की तैयारी करवाई जाती है, किसी को अफसर बनना है तो उसे यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। और इसी के साथ एक नए विजन को लेकर करनाल में अब आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल आ रहा है अल्फा सिटी में। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का भविष्य अच्छा बने, तो आप यहां पर अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।